लकलकवा नाथ शिव मंदिर में किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। मंदिर की भूमि का किया जा रहा मापी। आज अतिक्रमण जमीन से गुमटी को हटाया गया। अंचल सीआई दुर्गा दास के नेतृत्व में चल रहा मंदिर के जमीन की मापी। शहर के लकलकवा नाथ मंदिर के जमीन का मापी आज से शुरू हो गया। अंचल सीआई दुर्गा दास के नेतृत्व में मंदिर के जमीन की मापी शुरू किया गया। पहले दिन मंदिर के जमीन में लगा गुमटी को हटाया गया। अंचल सीआई दुर्गा दास ने बताया कि मंदिर के जमीन से गुमटी को हटाया गया, आज से मापी शुरू हुआ। सीमाना नहीं मिलने के कारण अगले दिन मंदिर के जमीन की मापी होगी। ग्रामीण राम खेलावन केशरी ने बताया कि मंदिर के जमीन को कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे, जिसके बाद में प्रशासन की मदद ली। प्रशासन के द्वारा मंदिर के जमीन को मापी कराया गया और मंदिर की जमीन और अतिक्रमण किया गया, गुमटी को हटा दिया गया। लकलकवा नाथ मंदिर का जमीन खतियानी जमीन है। इसमें कुछ माफिया लोग जमीन को हड़पना चाहते थे, इसलिए हम लोग प्रशासन से मदद लिए, अनुमंडल पदाधिकारी से मदद लिए, सीओ साहब से मदद लिए, थाना से मदद लिए। कुछ लोग गुमटी लोग बैठा दिया था, उस गुमटी को आक्रमण से हटाया गया और इस पर हिंदू समाज का धर्मशाला बनेगा। खाता 81 प्लॉट नंबर 1457 1458, इसमें हिंदू समाज का धर्मशाला बनेगा और नापी हो रहा है, लेकिन सीमाना नहीं मिलने के कारण बाद में शाम तक इसका सीओ कार्यालय में आवेदन दिए थे। आवेदन में क्या लिखे थे? लिखे थे कि भाई ये तो मंदिर की जमीन है, केसरी समाज का है, इसमें हिंदू समाज का धर्मशाला बने, जिला प्रशासन इस पर ज्ञान लिए। मामला यह था कि लकलकवा मंदिर के बगल के कुछ ग्रामीण जनता के द्वारा ये आवेदन अंचल में दिया गया कि मंदिर की जमीन के प्रांगण के अंदर ही कुछ लोग अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उसको कृपया करके नापी करके उसको मुक्त किया जाए। वही नापी के दौरान जो है, नापी के दौरान दो गुमटी था उसी प्रांगण के अंदर, वो गुमटी को हटाया गया है और नापी कार्य अभी चल रहा है, जो सीमाना नहीं मिलने के कारण क्लियर अभी नहीं हुआ कि यह मंदिर का प्रांगण में कितना जमीन है। ये लोग बता रहे हैं कि खतियानी जमीन जो है उसके अनुसार 1 एकड़ 10 डिसमिल है, लेकिन मंदिर की जो ज़मीन है वो मंदिर जो भोले बाबा जो बसे हुए हैं ये जो है प्योर गर्मजरुआ प्लॉट में बसे हुए हैं, जो रकबा 4 डिसमिल का है। वो खतियानी ज़मीन जिनके द्वारा केवाला लिया गया है या जिनके द्वारा मंदिर के प्रांगण के लिए दान में लिया गया है, वो से वो बाबा का मंदिर अलग है। और कल होगा नापी के दौरान अगर होगा कि इस प्लॉट में कहाँ जो बचा रह गया है उसको नापी करके क्लियर किया जाएगा कि ये जो 3 प्लॉट 4 प्लॉट है कहाँ तक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होगा दुर्गा दास, मैं अभी अंचल सदर सीआई साहब हूँ।